Hi everybody, welcome back to my channel. My name is Divya and I'm back with a new video. And आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसी बुक के बारे में जिसको लिखा है एक ऐसे ऑथर ने जिनको लेके अभी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी एंड उनके नाम पे एक हैशटैग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इनफैक्ट इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में सिर्फ इन ऑथर का ही नाम नहीं था, इनफैक्ट इसमें एक बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन का भी नाम है एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज संदीप महेश्वरी। एंड आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं किसकी बात करने वाली हूँ। येस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रूडेस्ट बुक एवर बाई श्वेताफ गंगवार। एंड श्वेताफ गंगवार के नाम से भी एक हैशटैग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, सेफ श्वेताफ गंगवार। एंड ये इसलिए हुआ था बिकॉज अभी जो होल कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी उसमें देयर वॉज अ वन मोर पर्सन एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज प्रखर गुप्ता। एंड एज पर माई नॉलेज जो ये कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी वो कहीं ना कहीं प्रखर गुप्ता की वजह से ही स्टार्ट हुई थी। सो बेसिकली इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में संदीप महेश्वरी, प्रखर गुप्ता एंड श्वेताफ गंगवार इन तीनों को लेकर ही चल रही थी। वेल, इस वीडियो में मैं कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ बिकॉज ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि क्या कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बुक। रियली फाउंड दिस बुक वेरी वेरी अमेजिंग। एंड जब इस बुक को मैंने पढ़ा उसके बाद ही मैंने श्वेताफ गंगवार का यूट्यूब चैनल देखा, उनके वीडियोज़ देखना स्टार्ट करे। एंड ट्रस्ट मी, उनके जितनी अच्छी बुक उन्होंने लिखी है उससे भी कई ज़्यादा अच्छा वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। सो बेसिकली आई जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग हिज वीडियोस ऑन डेली बेसिस एंड आई थिंक मैंने काफ़ी वीडियोस उनके देखे हुए हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बुक। बेसिकली ये बुक बहुत अच्छी है, इसका हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कॉन्टेंट लिखा है बहुत ही अमेजिंग एंड ऑसम है। बट कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए एंड आई विल टॉक अबाउट दोज पर्टिकुलर चैप्टर्स सो दैट यू कैन गेट सम आइडियाज़ कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए और क्या पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से ये बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। सो बेसिकली देयर आर टोटल 17 चैप्टर्स इन दिस बुक एंड द ऑथर एक्चुअली टॉक्स अबाउट वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स विच यू फेस ऑन डेली बेसिस इन योर लाइफ। सो फर्स्ट चैप्टर जो मुझे इस बुक का सबसे अच्छा लगा, पीपल आर वियर्ड एंड यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड देम नॉर ब्लेम एनीवन। द ट्रूथ इज यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ्स, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दे आर, व्हाट देयर मोटिवेशंस आर बिहाइंड फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स, यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट देम। सो बेसिकली योर जॉब इज नॉट टू अंडरस्टैंड पीपल बट टू अंडरस्टैंड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। And the second chapter which I really liked, You Are a Nation. So basically in this chapter the author actually talks about you have to behave like you are a whole nation and उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को जानना ज़रूरी होता है बिकॉज हर किसी के अंदर कुछ बुरी चीज़ें, कुछ बुरी आदतें एंड बैड एडिक्शन होते हैं जो कि आपके सेल्फ को काफ़ी हार्म कर सकते हैं। एंड वंस यू गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स यू रियली नीड टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स which ultimately creates self-control and your self-control actually creates some rules and moral codes in your life and the moment you say you have rules and moral codes you are kind of becoming your own authority. This basically means for the first time in your life yourself is in charge of you and it actually creates self-respect in your life and without self-respect you leave yourself open for people to take over and become your authority. So yes, this was the whole video and I have shared all the chapters which I really liked from this book. I hope आपने ये book पढ़ी होगी, अगर पढ़ी है तो मुझे comment section में comment करके ज़रूर बताना कि आपको इस book के कौन से points सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। एंड अगर अभी तक नहीं पढ़ी है देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ो एक बार बिकॉज दिस बुक विल चेंज योर होल पर्सपेक्टिव। सो या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।